Today at morning hours, P. Shiva Chandra, Inspector Habeeb Nagar, with the support of SIs K. Chandra Shekhar, J. Shiva Kumar, V. Shekhar, PCS Lakshman, M. R. Krishna, C. H. Naresh, Satya Narayana, Raghu, W. H. G. Tara Devi, and the staff of Ananda Ashramam, Balakrishna, K. Vikram, Raju, Mehboob, and Maitri members Prithviraj, Ahmed and others have identified around 90 beggars, male and female, at Dargah Yousufain, Nampali Labour Adda, Anita Bhavan, near Katta Maisama Temple, Charkandil, AGAPURA Nala and Darussalam areas of Habeebnagar PS, who are lying on the footpath and suffering with scarcity of food and other chronic diseases, were lifted and sent to Ananda Ashramam belongs to Chanchalguda prison for safe custody and providing for good health and food. मैं शिवचंद्रा इंस्पेक्टर हबीब। तीन डेज का पहले मैं चार्ज लिया ये पुलिस स्टेशन में। ये पुलिस स्टेशन में मेरे एसआई आके सर मुस्लिम बेगर ऐसा मर गए ऐसा इंक्वायरी मैं इंक्वेस्ट करने को जा रहे साहब ऐसा बोला। ओके जाओ जाके वो करके आ जाओ ऐसा बोला मैं। वो बाद में और एक दिन के बाद और एक दिन ऐसा सुबह में आके और एक बार बोला सर और एक बेगर भी मर गया साहब ऐसा बोला। इमिडिएटली मैं इंक्वायरी करी उनको क्या कितना बेगर्स है अपना एरिया में पूरा बेगर्स है क्या ऐसा पूछ रहा मैं पूछे तो उन्होंने बोला
क्या बेगर्स ज्यादा है साहब अपना एरिया में, वो उसमें यूसुफैन दरगाह के और चार कंदिल में और दारुसलाम के पास और हबीबनगर के हबीबनगर नाला के पास और ज्यादा अपना वो पूरा स्टेट में पूरा वो ऐसा इधर आके इधर ऐसा उन्हों खाना अच्छा नहीं मिल जाए साहब उनको, वो उनका हेल्थ ऐसा खराब हो गया साहब, उन्हों ऐसा इधर फिरके ऐसा मर जाते साहब, ऐसा बोला उन्होंने। इमिडिएटली मैं मेरे एसएस के साथ पैदल में जाके पूरा मेरा एरिया में एक बार फिर रहा, फिर के पूरा इंक्वायरी करा, पूरा कितना मेंबर्स है ऐसा कितना मेंबर्स है अपना एरिया में ऐसा इंक्वायरी करे तो मालूम गया वो 20 आदमी ऐसा रहते ऐसा सोचते। मैं आज जाके पूरा एसएस के साथ जाके मैं पूरा फिरे के पूरा लिफ्ट करे तो मोर प्रोबेबली अराउंड 90 मेंबर्स मैं लिफ्ट करा अभी 90 मेंबर्स लिफ्ट करके अभी भी जाए मेरा कांस्टेबल्स के साथ वो आनंद आश्रम चंचलगुड़ा जेल का अथॉरिटीज है वो उधर भी जाए। वो क्या है वो मैं करने का वो मैं पहले से मैं स्टूडेंट का टाइम से मैं वो सोशल सर्विस करने का मैं ज़्यादा ऐसा सोचते मैं अभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा मैं पढ़ने का टाइम कोई आदमी कोई स्टूडेंट वाला मेरे पास आके भैया मेरे के पास वो पैसा नहीं है वो एग्जाम फीस ऐसा भरना है साहब ऐसा बोले तो मैं जाके वो लेक्चरर्स अच्छा मेरे से वो कांटेक्ट करे लेक्चरर्स के पास जाके साहब उनके पास पैसा नहीं है बोला उनका ज़्यादा प्रॉब्लम है बोला साहब वो बाद में उन्होंने देते साहब थोड़ा वो फीस भरो सारा ऐसा बोल के रिक्वेस्ट करे तो वो लेक्चरर्स मेरा बात सुने वो ऐसा करे। वो बाद में भी मेरा गांव में मैं जॉब आने के बाद मैं जॉब में भी और मेरा गांव में ZPHS ऐसा स्कूल है उधर वो पूर लोगों मेरा गांव में पूर लोगों ऐसा पढ़ रहा है वो गवर्नमेंट स्कूल में वो पूर लोगों को भी वो 7 साल से मैं वो 20,000 रुपीज़ नोटबुक्स दे रहे हैं अभी से वो 7 साल से अभी करे वो पहले वो 20 दिन के पहले भी वो करके आ गया मैं ऐसा मैं करना क्या वो मैं मेरा के साथ मेरे के देखे कोई आदमी आके ऐसा मेरा से कोई काम करने को सोचते उन्होंने वो इंस्पेक्टर ऐसा करे मैं भी करते ऐसा सोच के आ जाते ऐसा उसके लिए मैं बोल रहा मैं वो सोचा था ज़्यादा करा ऐसा नहीं पर नहीं करके नहीं बोला मैं बोलना का इंटेंशन क्या है कोई आदमी आके मेरा से ऐसा देने का सामने आ जाते उस लिए मैं बोल रहा। और क्या अपना DGP साहब अपना CP साहब DGP सर वो पूरा बड़ा ऑफिसर्स क्या बोल रहा वो अपना एरिया में वो क्या करे तो सोशल सर्विस भी करना कम्युनिटी पुलिसिंग भी करना ज़्यादा वो अच्छी पुलिस है पुलिस बोले तो वो अच्छी आदमी के लिए अच्छे रहते वो रउड़ी लोगों के लिए ऐसा स्ट्रिक्ट हो जाते ऐसा बोल के बोला उस लिए मैं करने को रेडी है मेरा SIS भी रेडी है मेरा कांस्टेबल्स भी रेडी है पूरा लोगों एक टीम से पूरा सोसाइटी के सोशल सर्विस करने को मैं स्टार्ट हुआ और रौड़ी लोगों को कंट्रोल करने के लिए मैं रेडी है ऐसा मैं पूरा ये देखने को रेडी है। वो आज ज़्यादा के बोले आज मोर प्रॉबली अराउंड 90 मेंबर्स को लिफ्ट कर दिए उनको आनंद आश्रम चंचलगुड़ा जेल के पास भिजा दिए अभी और भी थोड़ी दिन के बाद और भी कर लेते और ऐसा मेरा एरिया में एक बेगर भी नहीं मर जाना उस लिए मैं सोच के मैं कर लेते। थैंक यू।